कोशिश करो कि उस वक्त ना हो जब तक कि तुम्हारे अंदर सही मानों में इस्लाम रच बस रह जाए। इस्लाम और ईमान के साथ जिंदगी करना शायद आसान है, इस्लाम और ईमान पर करना बहुत मुश्किल है। मरने से एक घंटा पहले तक आप क्या करें, मैं क्या हूं, क्या करूंगा, ये काउंट नहीं होगा। मरने इस लम्हे पर मैं किस तरह मरा, ये काउंट किया जाए। इंसान अगर वाकई दीदार है तो किस तरह है, दीन को सिर्फ जबान की हरकत नहीं रखा जा सकता, दीन का इजहार भी सिर्फ जबान से नहीं होता। हमारा पूरा वजूद मुस्लिम हो, इस्लाम की दो किस्में हैं, इस्लाम के दो मरहले हैं, इस्लाम अव्वल और इस्लाम आखिर। इस्लाम अव्वल वो है कि जो हमें शिर्क से कुफ्र से निकाल करके मुसलमान बना देता है, और जो 10 मुतहरात है उनमें से इस्लाम भी है, यानी कोई भी कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़े तो वो अब तक जो नजिस्तान पाक हो जाता है, हमारे दिल से बात हो जाता है, हमारा लिबास हो जाता है। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया यानी कुफ्र और शिर्क से दूर हो गया, भी मुसलमान हुआ, ये मुसलमान अव्वल है, यही आखिर नहीं है, ये इस्लाम अव्वल है। और ये इस्लाम इस्लाम आखिर है कि जो मरते वक्त इंसान के साथ रहता है या नहीं रहता। मरने के साथ वो इस्लाम है, वो इस्लाम आखिर जिसे तस्लीम कहा गया, सरेंडर अपने आप को करते हैं, टोटल सबमिशन, मुकम्मल अपने वजूद को उसके हवाले कर देना। बंदा होना भी काफी नहीं, बंदगी का हक अदा करना, आबिद होना नहीं, वो मुमकिन की मंजिल को हासिल कर देना। चूनो चरा की गुंजाइश को अदाय पर जरूर रखना, लेकिन जैसे ही पूरे दीन में दाखिल होना तो चूनो चरा की गुंजाइश को भी खत्म कर देना। ये सवाल करना भी छोड़ देना कि सुबह की दो रकात कितनी है, क्यों है जोर की चार रकात, क्यों नमाज ही क्यों मुझे पढ़ना है, रोजा क्यों रखना है, ये तस्लीम महज टोटल सबमिशन, ये इस्लाम में आखिर है। और अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है ईमान वालों, अब ये ईमान वालों से कह रहा है, ईमान को आमतौर से इस्लाम के बाद बताया जाता है, वो इस्लाम में अव्वल के बाद ईमान है, लेकिन ईमान के बाद तकवा है, तकवे के बाद फिर इस्लाम है। अब वो इस्लाम जो आखिर में है वो इस्लाम में बाद है तस्लीम। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम, मेक श्योर करो, यकीन पैदा कर लो कि अब जो मैं मरने जा रहा हूं एक मुसलमान की मौत कर रहा हूं, उस इस्लाम आखिर के साथ कर रहा हूं। फिर उसके बाद दरवाजे सारे खुल जाते हैं, फरिश्ते उसे मुज्दा सुनाते हैं, सलाम अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम इस्लाम आखिर के साथ आए हो, तस्लीम अपने आप को कर रहे हो, तुम पर सलामती हो, तुम पा कर दिए गए हो, तुम बख्श दिए गए हो। हमारे यहां अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम बाज चीजों में तो बड़े अच्छे मुसलमान हैं, बाज चीजों में अच्छे मुसलमान,
नहीं। बाहर दोस्तों में अच्छे दोस्त हैं, घर में अच्छे शौहर नहीं, घर में अच्छे बाप नहीं, रिश्तेदारों में अच्छे भाई नहीं, ऐसा क्यों है कि बाहर ठीक है अंदर गड़बड़ है? अंदर क्यों खराब है? इसलिए कि हम दीन पर तो है लेकिन अपनी चॉइस पर, अपनी मर्जी और अपने मतलब के हिसाब से, जैसे हमारा मतलब जहां सूट करे वहां मुसलमान है, और जहां हमारे मफाद या हमारे मतलब से थोड़ा बहुत भी किसी मामले में टकराव पैदा हो हम मुसलमान नहीं है, अगरचे दीन और इस्लाम की बात जरूर करते हैं। आपने चिमन जला के लोगों को देखा है? दूर से देखने वाला जिसको चिमन की हकीकत का अंदाजा नहीं है वो समझेगा बहुत कुछ खा रहे, जबकि आप एक गांव के हवा के नीचे नहीं उतार रहे, सिर्फ जला रहे, खाने का ढोंग रचा रहे, जला रहे, एक कतरा भी आपके हाथ से भी नहीं नीचे नहीं उतर रहा। बहुत सारे लोगों के दीन की बातें बिल्कुल चिमन चबाने जैसी है, सुनते हैं उनको वैसे लगता है दीन बातें इनके दिल और दिमाग में घुसकर रच बस गया है, जबकि जब किरदार देखते हैं तो कहीं भी कोई भी दीन का असर उनके अंदर नजर नहीं आता है। मालूम हुआ कि जैसे बहुत सारे लोग चिमन चबाते हैं वैसे ये लोग दीन की बातें करते हैं। दीन को अपनी मर्जी से अच्छी चीजें हैं उनको हम ले लें कहते ये हमारे लिए अच्छी है, इस पर ईमान लाते हैं, बस उनका इनकार कर देते हैं। किसी कहीं से पूछा कर तुम गिरा हो गए, कहा नमाज कोई बात नहीं, कोई खर्चा नहीं है, एक्सरसाइज किए खूब पढ़ रहे, रोजा बचाओ है, बचत है, इसमें कोई हर्ज नहीं, खूब कहना नहीं, ये नहीं हो सकता, जान ले लो पैसे मत पूछो। यहां पर क्या हो गया दीन? इसीलिए अल्लाह ने नमाज और रोजे को भी खुद के ऊपर डिपेंड कर दिया, कंडीशन लगा दी, नमाज उस वक्त कबूल होगी जब तुम्हारा निवास नस्बी ना हो, जिस जगह पर नमाज पढ़े वो जगह नस्बी ना हो, तुम्हारे उस नमाज की जगह और लिबास के नस्बी ना होने की कंडीशन यह है कि अगर नस्बी है तो उससे नमाज नहीं हो सकती। खुम्स ना देने भी कोई भी ये नहीं कर सकता कि मेरी जो चीजें हैं वो सारे के सारे मेरे लिए बुरा है, क्योंकि खुम्स एक वाजिबी फर्ज है, इसको जो अदा नहीं करता है उसके ना लिबास मुबाह है ना उसकी जगह का हमको नमाज पढ़ा है। हमें ये अजीब गरीब दीन का तसव्वुर दे दिया गया कि बाज़ लोग जाते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे दीनदार के शहरों में जाते हैं हलाल गोश्त की दुकान की तलाश में, और जो पैसे जेब में है वो आराम से कमाओ, उसकी कोई फिक्र नहीं है, आराम से कमाया है और हलाल खाना चाहते हैं, ढूंढते हैं कि भाई हलाल गोश्त कोई अच्छी रेस्टोरेंट, मुसलमान रेस्टोरेंट की तलाश में, बहुत अच्छी बात है भाई। हमने दीन का वाकई की हुलिया भी बिगाड़ रखा है, रोज नाटक बनाते, अपनी मर्जी की चीज है उसको खूब चढ़ा के बढ़ा के बयान करेंगे, जब अपनी मर्जी के खिलाफ है उसको गुलामी देंगे, अगर उसका जिक्र भी करे तो नाराज हो जाए, क्यों जिक्र करता है ना करो, खत्म भी वो पसंद है जो उनकी मर्जी के मुताबिक हो, जहां उनकी मर्जी से थोड़ा बहुत हट कर या उनके अपने किरदार के ऊपर कहीं से कोई भी अटैक हो रहा है तो फौरन होता है।
رکھنے کے لیے رسول کا نوازا آ چکا ہے, مدینہ چھوڑ کر مکہ آ چکا ہے, سب کو خبر ہو گئی ہے, خطبہ بھی دے کر گزارا. میرا مقصد کیا ہے, میں نے کیوں مدینہ چھوڑا, میں نے کیوں یزید کے خلاف آوازیں احتجاج بلند کیا, میں کیوں جا پر آیا. اس کے باوجود لوگ مولا حسین کے ساتھ چلے گئے, تیار نہیں ہے. کسی مخلص ساتھی نے پوچھا, جب تک رسول اللہ آپ کی پوزیشن کو یہ جانتے ہیں, آپ کے مقصد کو یہ سمجھتے ہیں, آپ جس مقصد کو بتا کے انہیں مدد کے لیے بلا رہے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ تو آپ پہلے والوں کی تعداد دیکھو اور آپ کے پیچھے آنے والوں کی تعداد دیکھو, کیا آپ کی شان اور منزلت کعبے سے زیادہ نہیں ہے؟ اگر کعبے کے مشکل کے وقت جو دیندار ہو وہ دیندار ہے, راحت کے وقت ہر کوئی دعویٰ کرے میں دیندار ہوں تو کوئی کمال کی بات نہیں. مشکلات میں لوگ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیانت اور دینداری کا تعلق اپنے کردار اور اپنے اعمال سے ہے, اور خاص کر جب کہیں کوئی حق بات ہو. پہلے تو آج کے زمانے میں حق بولنا مشکل ہوتا ہے, بعض لوگوں کو حق سننا مشکل ہوتا ہے, اور بعض لوگوں کو حق بولنا بھی آسان ہے اگر ان کے ساتھ ہو. اگر ان کے خلاف ہو تو پھر وہ حق نہیں بولیں گے. بات حق کی ہے لیکن چونکہ میرے خلاف ہے میں نہیں بولوں گا. سننا بھی آپ کا پسند ہے لیکن اگر کسی اور کی طرف بات جا رہی ہو تو ٹھیک ہے, میری طرف بیٹے
क्यों गए? हजरत ने यूं अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की हिमायत नहीं की थी, क्योंकि हिमायत करते थे तो दीन से हक से निकल जाते और फिर वो नबी नबी ना रह जाते। तो है ना, गौर से सुनिए, कुरान मजीद के बहुत जरीफ अंदाज में हक और बातिल के तरफदारों के अंदाज को लिख दिया है। इन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे बेटे को तू बचा ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा मेरे बेटे को बचा ले, सिर्फ याद दिलाया इन्नहु मिन अहली, वो मेरा बेटा है, बस इतना ही कहा, इतना ही कहा। ये नहीं कि परवरदिगार तू खान आ रहा है ठीक है, वो मेरा बेटा है, उसको तो कम से कम बचा ले। नहीं, अगर कह देते तो नबुव्वत छिन जाती। इसलिए कि हक के खिलाफ अगर बेटे की इतनी सी बात को भी, हालांकि बेटा था, गलत नहीं कह रहे, एक हकीकत है, वो खुद भी अपनी जगह पर हकीकत है कि वो बेटा है, लेकिन सिर्फ जताया कि वो बेटा है और गलत मौके पर जताया। तो वह जो है कि नहीं है, गलत मौके पर जताया कि जब तूफान आ ही रहा है काफिरों को डुबोने के लिए, तो बेटे का तसव्वुर उन्होंने रखा, इसलिए किसी तरह के औलाद के जवाब में क्या अल्लाह सुब्हान व तआला जवाब देता है, जवाब नहीं कर पाया। इन्नहु अमलुन अमीरु साले है, तू ये तुम्हारा काम है साले, अच्छा काम नहीं है कि तुम इस वक्त बेटा होने को जताओ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक शख्स आया मौला अली के दरबार में, पकड़ के लाया गया और शराब पीने के जुर्म में उनको सामने रखा गया, तो उसने वहां पर सिर्फ इतना जताया, मौला मैं आपका चाहने वाला हूं। उसने भी गलत जगह पर वहां पर चाहने वाला हूं। आपने सब सुना है कंबल से कहा 10 पर एक्स्ट्रा लगा दो, एक्स्ट्रा कोड़े चाहने वाला भी है तो एक्स्ट्रा कोड़े, शरीयत बदल गई है? नहीं, इसने मोहब्बत को बदनाम किया है। इसने मेरे साथ निस्बत का गलत इस्तेमाल किया है, गलत बात बताई है इस बात। और एक और आदमी आया, आप जानते हैं, चोरी में पकड़ा गया, आया और सही मानों में आशिक भी था, जताता नहीं कि मैं आशिक हूं, और मिल गया मेरे मौला ने कार भी दी, फिर भी नहीं कहता मैं चाहने वाला हूं आपका, वहां से निकलता है ताना दिया। किसने कहा है तुम्हें ये सजा किसने दी है? सवाल जानबूझ कर करा ताकि वो लोग से बिना मौला के खिलाफ जवाब से जुड़े के कारण उससे जानना चाहते हो तो बताइए। अंजीर मुफीदी बजासो बुद्धि इमाम मुतकी मरहबुल अजाइब वल नबर। उसने तो फजाइल का सिलसिला शुरू कर दिया, आया था वो दुश्मन शर्मिंदा करने के लिए, इसने उसको शर्मिंदा कर दिया। कैसे चाहने वाले हो तुम? तुम्हें उसने सजा दी है और तुम उसकी तारीफ कर रहे हो, क्या तुम समझते हो कि उसने मुझे सजा दी है? मैं समझता हूं कि उसने मुझे गुनाहों से पाक किया है। यही बात है, हक बात अगर है तो कह देना चाहिए किसी के भी नुकसान को, अपने नुकसान में भी हो गए ठीक। कितने हमें सहन जो जुर्म करते हैं कि हाँ भाई ये मैंने गलत किया, नहीं वैसे पूरी दुनिया गलत, वैसे सारा मामला तो बिगड़ता है इसी बात से, मैं सही हूं उसे गलत। अरे भाई कुछ तो आप भी क्या होगा, क्योंकि आप मासूम तो नहीं है ना, दुनिया में चाहे कितना भी मुद्दा की परिजार हो वो मासूम तो नहीं है ना, जब मासूम नहीं तो गुंजाइश तो रखो कि तुमसे भी सजा हो सकती है, गुंजाइश भी नहीं रखते हैं। मैं मेरा तो कसूर सारा मेरा, उसके बाद जो कहता तो सारा उसका। हमारे पास तलाक की बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, एक के साथ मैंने सिर्फ यहां पर तवज्जो की है जिस पर मैं खास नफ्सियात चुका, मुझे पता है कि मुझे बहुत वक्त के अंदर ही तमाम चीजों को समेटना है। मियां
बीवी को हमने बोला है क्या बात है, क्यों तलाक लेना चाहता, वो ये करता है वो ये करता है, मैंने तो उसकी बात नहीं करो तो नहीं है तुम्हारे अंदर क्या बात है, मेरे अंदर कोई बात नहीं सुहा आप बैठे दूसरे को बोला है शोर शोर उससे देखा वो ये करके वो करके ऐसा करते मैं तो बस तंग आ गया अच्छा आपकी कोई गलती नहीं है नहीं सुहा आपकी भी गलती नहीं उसकी भी गलती नहीं जिनका बीच में कौन है तो आप सबको जो है परेशान कर रखा है कोई बाहर से आता है नहीं मैंने दो बच्चे दिए और ये नफ्सियाती बात है जो तो बच्चे दीजिए नफ्सियाती बात दो बच्चे दिए मैंने कहा उसकी आप बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे उसका कोई भी आप जुमला गुना खता उसमें नहीं दिए सोचिएगा इतने सालों में 5 साल आपकी शादी से शादी पर गुजरे 5 सालों में आपने क्या क्या कमी की होगी आप अपनी बात नहीं है उसकी नहीं एक बच्चा उसको दे दिया अपनी बात लिखे अपने पार्टनर की नहीं आप दोनों की प्रॉब्लम ये कि आप दोनों मासूम समझते हो ना तुमने कुछ कहा ना उसने फिर एक घंटा आपको देखे चाय लिए फिर वो आहिस्ता 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 याद करते गए कुछ लिख लिया ये नफ्सियाती बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप दूसरों की गलती को उससे मत पूछिए खुद उसी से उसकी गलती पूछिए सोचकर पर मजबूर कीजिए कहीं तो उसकी जागेगी कहीं तो उसका जमीर जागेगा और जागेगा तो मामला आसान हो जाएगा हल आसानी से निकल आएगा जैसे ही दोनों ने कुछ गलतियां अपनी अपनी लेकर घर पे रखी मैंने कहा आपने ये किया और वाकई ये बात तो वाकई भी किसी और के मुकाबले में हो तो वाकई भी बुरा लगेगा आपने ये किया यकीन तो दोनों ने गलतियां की एक दूसरे को माफ करो ताकि दुनिया आखिर की कामयाबी हासिल हो माफ करो एक दूसरे को माफ करो गुजर करो इसमें तुम्हारे दरमियान कोई ना 100% बेजता है ना 100% खतरकार है हर कोई गलती का है जब लड़ाई होती है तो यकीनन दोनों की गलती होती है 100% दोनों में यकीनन कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन गलती जरूर होती है उस जब इंसान गलती का एहसास कर लेता है तो पहला मौका है कि वो हक की तरफ आने लगता है हक की तरफ आने लगता है वरना फिर वो अपने आप को ही हक समझता है इमान हासिल कर लिया जी كتاب الله العزيز بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهو خير الناصر والمبين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكر له ونتبتل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا رسول الله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين ونور السماوات والأرضين أبي الزهراء محمد صل وسلم وزد وبارك على أمير المؤمنين ويعصي الدين وإمام المتقين الذي حبه فرض على الحاضر والغائب المطلوب لكل طالب مظهر العجائب والغرائب علي بن ابي طالب اللهم صل وسلم وزد وبارك على الصديقه الطاهره تكون العذراء انسيه الحمراء فاطمه الزهراء صلى الله عليه وسلم صلي وسلم وزد وبارك على السيدين النجيبين الصدقين الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه. صل على ائمه المسلمين علي بن الحسين زين العابدين
ومحمد بن علي باقي العلوم الاولين والاخرين. صادق الله الامين. तो तमाम याद दिला
جا رہا ہوں، مسجد میں آتے ہیں تو سنتے ہیں، پھر جب نہ کرے تو بولو کام ہوگا یا اپنا کام کرے، تو اپنی جگہ پر یہ اپنی جگہ پر اتنی ایزی اور آسانی سے رہتے، جبکہ ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے، خاص کر اس دور میں. توجہ سے سنیے گا، اس دور میں پوری دنیا کے اندر آپ کے مطلب پر تحقیق ہو رہی ہے، آپ کے عقیدے کی صحیح معنوں میں معرفت غیر حاصل کر رہے ہیں، اور واقعا وہ حدیث صادق آ چکی ہے کہ آخری وقت میں میرے فرزند مہدی کی طرف تیزی سے آنے والے جو ہے وہ کہتا
फिर उसको अंग्रेजी में उन्होंने उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया आईसिस। आईसिस का मतलब इस्लामिक स्टेट जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, जिन्होंने बनाया वो भी जानते हैं कि वो इस्लामिक स्टेट नहीं है। आईसिस शॉर्ट फॉर्म सही है लेकिन फुल फॉर्म वह नहीं है जो आमतौर से पेश किया जाता है। उसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इसराइली स्टेट इन इराक एंड सीरिया। दौलत है इसराइली इराक और शाम, ये हकीकत है। इसराइल ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा बनाया है, उस नक्शे में आपसे बदला लेने की बात है। मुसलमानों से तो ऐसे ही है ना, आपसे बदला लेने की बात है। जानते हो क्या बात है? वो ये कि 1400 साल पहले हम यहूदियों को जिसने मदीने से बाहर निकाला था, हम जब तक वापस मदीने पर जाके कब्जा नहीं करेंगे उसको हमें चैन नहीं मिलेगा। किसने बनाया था? जानते हैं कभी ये मुद्दा क्या मतलब?
یہ اللہ کا بقیہ، بقیہ کیا ہے؟ ہر ملک نے ایک ریزرو بینک ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، اور ایک فورس ہوتی ہے. توجہ کیجیے، دولت ہوتی ہے جو استعمال نہیں ہوتی، ہوتی ضرور ہے، اور جس ملک میں ریزرو بینک نہ ہو وہ ملک کمزور ہوتا ہے. استعمال کرنا ہی نہیں تو رکھے کیا پتا؟ کہیں گے ہم اس کی اس وقت کے لیے رکھتے ہیں جب سارے وسائل ختم ہو جائے تو اس ریزرو دولت سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی سروائیو کرے، اپنے آپ کو بچائے. اور دوسری فورس ہوتی ہے ریزرو فورس. ریزرو فورس ہر جگہ پر نہیں آتی، ان کا نام گننا بھی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہے، محفوظ ہے ایک جگہ پر چھپی ہوئی ہے، جب ضرورت اس کی پڑے گی تب وہ باہر ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ فرعون ہی آتے رہیں گے، فرعون کے لوگ آتے رہیں گے، دجالی قوتیں بھی سر اٹھاتی رہیں گی. جب ساری قوتیں سر اٹھا کر کے ہمارے نام کا کلمہ پڑھنے والے اور علی کے چاہنے والے بھی لڑتے لڑتے کمزور بن جائیں گے، تو پھر ہم اپنا بھی سورس جو رکھتے ہیں اس کو ظاہر کریں گے، جسے مہدی کا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے نام میرے مولا کے ہیں، لوگ جب امام کی خدمت میں پہنچیں گے تو یا مہدی کہتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں یا مہدی حضرتی، یا ابن حسن ہم کہتے ہیں، اور کہنے میں کوئی حرج نہیں، کہنا بھی چاہیے. لیکن جب اس وقت لوگ جائیں گے تو کوئی اور نام سے نہیں پکاریں گے، السلام علیکم یا بقیت اللہ. ہم جب کمزور ہو چکے تھے امیدیں ٹوٹنے لگی تھی، ہم ڈوبنے لگے تھے، آپ آئے اللہ کا بقیہ بن کر، اسی لیے بقیہ اللہ کے سلام کیا جائے گا. اے رسول اللہ، ہم بھی اس وقت علی پور کی سرزمین سے آپ کو سلام کرتے ہیں، اخلاص کی بنیاد پر سلام کرتے ہیں، تیاری کی طرف توجہ ہم بھی رکھتے ہیں، آپ بھی رکھیں، کوشش کریں کہ اپنا ایمان بھی مضبوط ہو، ساتھ میں اس کا ایمان بھی مضبوط کریں کہ جو آپ کے اطراف میں ہیں اور اس کا ایمان کہیں نہ کہیں کمزور ہے، تو اس کو بھی آپ ڈھالس دیں اور سہارا دیں، اور انتظار صرف زبانی کلامی نہ ہو بلکہ عملی طور پر بھی انتظار کچھ ایسا ہو کہ ہم فخر سے امام کو سلام کریں تو جواب بھی وہاں سے آئے، وعلیکم السلام یا شیعہ جی، اگر شیعہ جی پر بھی سلام ہو. ایسی کیفیت ہمارے اندر پیدا کریں گے ہم تو ہم کامیاب ہیں. اور یہ بہت تیزی سے زمانہ اس اختتام کی طرف جا رہا ہے، کہیں میں نے اشارہ کیا تھا، پروردگار ہم سب کو صحیح معلوم میں عاشق مہدی کرا دے. آخری جتنے بھی لوگ ہیں نا، بعض لوگ آخر میں پیچھے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کسی نے داری آپ نہ درود پڑھنے کی ہے، نہ نعرہ لگانے کی، نہ آگے پہننے کی ہے، تو خامل بیٹھے رہے. نہیں، جتنی ذمہ داری آگے کے والوں کی ہے نا، آگے والوں کی بھی اتنی ذمہ داری، سب مل کر آگے بلا دعویٰ سن گئے، اس لیے دعا کا بھی یہ بہترین ہوتا ہے. پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں آج شب مہدی کرا دے، پروردگار صحیح معنوں میں اس کی عالمی حکومت کے لیے ہمیں تیار اور آمادہ ہونے کی توفیق عطا کر. ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کو مہدی کے آدمی کے حصہ دار بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں میں صحیح معنوں میں عشق مہدی کو رائج اور راسل فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی علی
انسانوں میں قرار دے. پروردگارا بہت جلد ہمیں تو یوسف زہرا کی زیارت سے شرف فرما. اس کلام مبارک سے ان کو نگاہ آنکھوں کو روشن منور فرما. الہی اس کے ظہور کے ساتھ ہی دنیا کی تمام ناانصافیوں کا خاتمہ فرما. الہی عالمی حکومت کو تو جلد سے جلد نافذ فرما. حصے دار بنا دے. پروردگار ہمارے انجام کو ختم خیر فرما. ان احسن الحدیث وابلغ موعظه الحسنه کتاب الله العزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.